अब ये देख लो ये कब इन्होंने फॉर्म भरे थे और ये कलर्क भर्ती आज का नहीं सर, उड्डा सरकार ने निकाल ली थी पहले काफी टाइम की, 10-12 साल निकली हुई है, 10-12 साल हो गए जी जब की ऐसी पड़ी जी पेंडिंग, और अभी पेपर हुआ था 3 साल तो इन्होंने ही लगा दिया, 15 में तो फॉर्म अप्लाई करवाए थे, 16 में अपना हुआ था पेपर हुआ था, 17 में इंटरव्यू। मेहनत आदमी की मेहनत अगर रंग ना ले आओ ना जी फिर तो उसने नहीं लगा भी आज जो हो रहा है बिल्कुल खत्म है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कदम तो ये आत्महत्या कर लेगा, जो मेंटल हरासमेंट होगा नहीं तो वो जरूर कर लेगा। कोई नौकरी बचती है ना जी कोर्ट में, कोर्ट में अपने हरियाणा की तो बहाना लेगा कोर्ट में जरूर जाए, हालात ऐसे हो रहे हैं जी, नींद नहीं आई सर, फिर ऊपर तक बेरोजगार होने के बाद घर वाले भी 20-22 हजार की नौकरी 3-4 साल धक्के खा गए, मतलब उसका क्या फायदा। पहले दिन रात एक करके एग्जाम की तैयारी करो, फिर उसके बाद एग्जाम क्लियर करो, फिर इंटरव्यू की तैयारी करो, इंटरव्यू क्लियर करो, उसके बाद HSSC के स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग वजहों से HSSC के चक्कर काटो, उसके बाद जब सब चीज़ें ठीक हो जाएं तो कोर्ट के चक्कर काटो। हरियाणा में जो भी युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं उन्हें इसी प्रताड़ना से होकर गुजरना पड़ रहा है। 13,000 नौजवान आजकल इसी प्रताड़ना से होकर गुजर रहे हैं, जिन लोगों ने क्लर्क भर्ती की परीक्षा पास की है, जिन लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं, वो बार बार अलग अलग अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि वो कोर्ट का बहाना छोड़कर अपनी भर्ती संस्था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसके अधिकारियों और सदस्यों को टाइट करे, ताकि वो इस तरीके की कोई भी कमी ना छोड़े कि उनकी भर्ती कोर्ट में जाकर लटक जाए। मैं करनाल से हूँ, उन्हीं के विधानसभा से हूँ, तो काफ़ी बार मिला CM साहब से भी। हम अपनी मांग अपने विधायक से, अपने MP से और अपने सभी जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनसे सभी से कर चुके हैं। इतनी जगह विज्ञापन दिया, जो अपने 22 डिस्ट्रिक्ट थे हर एक में गए थे हम। बार बार हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, हमें बार बार इकट्ठा होना पड़ रहा है। अब ये तो मेंटली हरासमेंट, घर वाले भी बोलते हैं अभी बेरोजगार हो तो पैसे लगा के इतनी दूर जा रहे हैं, आज भी महेंद्रगढ़ से भी बच्चे आ रहे हैं, पंचकूला कितनी दूर पड़ता है, 2,000 रुपये का किराया। अब CM साहब से मिलने के लिए चंडीगढ़ में आए हुए हैं हम, पता भी नहीं है अभी CM साहब हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुबह घर से चले थे तीन बजे चले थे और अब यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत खाना पानी जो भी लेके आ रहे थे वो किया, अभी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, भूखे हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी CM साहब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमने जब फार्म भरा था 21 साल की उम्र थी, 26-27 साल के बाद वैसे फार्म नहीं भर सकते, 4 साल इसमें लिख गए जी, 1-2 साल इसमें लिख देगी वेट एज में, बिका भी क्या होगा, अगली सुनवाई मिल गई 1 साल के बाद हम क्या करेंगे जी। उम्र मारे तो टीचर हैं, ये टीचर हैं मेरे, मैं पढ़ा रखे सर जी ने, और एक और टीचर है मेरे, तो ये भी हमारे साथ ही आ गए। अब ये देख लो ये कब इन्होंने फॉर्म भरे थे और ये क्लर्क भर्ती आज का नहीं सर, उड्डा सरकार ने निकाल ली थी पहले काफी टाइम की, 10-12 साल निकली हुई है, 10-12 साल हो गए जी जब की ऐसी पड़ी जी पेंडिंग। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि हमें रोजगार मिले और ये दर दर की जो ठोकरें खा रहे हैं हम पाई जोतते हुए भी यहाँ घूम रहे हैं तो इससे हमें छुटकारा मिल सके। हम बहुत बेरोजगार हैं, उम्र के ऐसे तराज उस पर खड़े हैं भाई, कैरियर का सवाल है, 30-30 साल उम्र हो चुकी है सबकी, और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होने के बाद भी हमारी जो भर्ती है उसको अटकाया जा रहा है। मेन कोर्ट केस हैं, उसमें 2 कोर्ट केस हैं, एक सोनू वर्सेज स्टेट ऑफ ये हरियाणा गवर्नमेंट, एक केस नॉर्मलाइजेशन का है जिसमें 2 नवंबर की डेट लगी थी और 4 दिसंबर को उसमें उन्होंने HSSC ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन उन्होंने 1 महीने के अंदर अपनी कोई कार्रवाई नहीं करी और 4 दिसंबर को उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, हम रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते हैं। इस पर जज साहब ने नाराज होकर बोला ठीक है अब मैं ऑर्डर देता हूँ, और 27 फरवरी की उन्होंने डेट दे दी जो कि 3 महीने बाद की है। सरकार के वकील हैं वो फ्री फंड की तनख्वाह ले रहे हैं, असलियत बात तो ये है, वहाँ जाते हैं जब पैरवी ढंग से नहीं कर सकते तो छोड़ दो कुर्सी को, फायदा क्या उस चीज का, अपना इस्तीफा दे दो, कोई नया आ जाएगा कम से कम सुन तो लेगा, कैंडिडेट की कोई सुनने वाला ही नहीं है। 2 रीजन हो सकते हैं कि सरकार केस की पैरवी ठीक से नहीं कर पा रही, या तो सरकार सक्षम नहीं है या जानबूझ के लेट किया जा रहा है। अब ये बच्चे जितने हैं अब तो 13,000 परिवारों की बात है,
ठीक है, अगर अभी रिजल्ट निकाल देते तो भाई सरकार वाह वाह लूट लेगी, अगर नहीं निकालते तो फिर भाई विधानसभा में ये देखेंगे अपना जितने 13,000 परिवार हैं। ये बेरोजगार सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं जी। खरी खरी न्यूज ने हरियाणा के नौजवानों की आवाज बनने का फैसला किया है। हमारे पास HSSC को लेकर काफी शिकायतें आ रही हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी शिकायत है तो आप उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाकर उसे हमारे नंबर 8088008804 पर जरूर भेजें। हम आपकी शिकायत को सरकार के ध्यान में लाने के अलावा जनता के सामने पेश करेंगे और HSSC का पर्दाफाश करने का काम करेंगे।